हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ आपके लिए एक न्यू ब्लॉग वीडियो लेकर के। तो अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पे आज मैंने पहनी है साड़ी, येलो साड़ी पहनी है। तो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी ना मैं अक्षु के लिए ना मतलब वो घिस रही थी, जायफल बोलते ना, जायफल आपको पता ही होगा, बच्चों को सर्दी वगैरह लग जाती है ना थोड़ी बहुत, तो उसके लिए देते हैं। तो मेरे अक्षु को ना अभी थोड़ा सा ना कोल्ड हो गया है। उसके अभी पहले फीवर हुआ था और उसके बाद फीवर अभी थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब चढ़ रहा है उतर रहा है ऐसे हो रहा था। अब फीवर थोड़ा सा ठीक हुआ है तो अब उसको ना कोल्ड हो गया है और उसको ना मतलब सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से ना अब छोटे बच्चे बोल भी नहीं पाते हैं, तो वो जायफल वगैरह देने से ना उसे ठीक रहता है। तो मैं अभी उसको जायफल वही घिस के पिला दिया है शहद के साथ। तो उसके बाद अभी अक्षु ना मेरी सो गई थी तो मैं अभी इधर आ गई थी अपना फ्रिज साफ़ करने के लिए। मेरे को ना फ्रिज साफ़ करना है और काफ़ी दिन हो गए साफ़ नहीं किया। मैं रोज़ सोचती कर लूँ फिर मैं कर नहीं पाती, मैंने सोचा चलो आज मैं कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे ना सारा सामान जो है मैंने पहले फ्रिज का निकाल लिया है और उसके बाद ना मैं मतलब ज़्यादा नहीं फैलाऊँगी आज, क्योंकि अक्षु की तबीयत ठीक नहीं है, फिर बीच में उठ जाएगी फिर वो रह जाएगा। तो ना मैं ऐसे ही नॉर्मल थोड़ा सा कपड़ा ले लूँगी गीला करके और उसी से आज मैं उसको साफ़ करूँगी। और हस्बैंड जी तो जा चुके हैं और सारी का भी स्कूल चली गई थी, तो उसके बाद काम वाम मेरा घर का तो सारा हो गया था और किचन का भी मतलब ना थोड़े से मेरे बर्तन पड़े हैं धोने के लिए बस, और ये मतलब गैस वगैरह साफ़ नहीं की थी वो नहीं हो पाई है मेरी, बस वो करना बाकी है। तो पहले फ्रिज को तो मैं कर लूँ उसके बाद वो करूँगी, क्योंकि फ्रिज ना गंदा गंदा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और अभी वही मैं पहले तो सोच रही सारा हटा के कर लूँ एक बार साबुन से अच्छे से धो के, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। इस वजह से ना आज मैं ऐसे ही मतलब टेम्परेली थोड़ा साफ़ कर रही हूँ, तो कम से कम थोड़ा साफ़ तो हो जाएगा। तो गीले कपड़े से मैं ऐसे ही थोड़ा सा मतलब अच्छे साबुन से धो लिया गीले कपड़े से और उससे ना मैं ऐसे साफ़ कर दूँगी सारा, क्योंकि सामान वगैरह रखते हैं ना तो फिर कई बार कुछ गिर जाता है और फिर वो निशान विशान भी हो जाते हैं ना, गंदा गंदा सा बहुत ज़्यादा लग रहा था मेरे को। तो सारा कर दिया मैंने कपड़े साफ़, और इसका बाहर का जो डोर है ना वो भी बहुत मतलब उसमें तो हाथ लगते रहते हैं, काम करते हैं ना गंदे संदे हाथ लगते रहते हैं, कभी खाना बना रहे कभी क्या कर रहे तो बार बार हाथ लगते हैं, तो वही बाहर से देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी जो है मैं उसको भी जो है कपड़े से ऐसे जो है साफ़ कर दूँगी। वैसे डोर तो बाहर से कई बार साफ़ करती रहती हूँ, बीच में ऐसा नहीं होता कि वो फ्रिज के साथ ही होता है, वो तो वैसे भी साफ़ होता रहता है, लेकिन अंदर से ना वही है जब सामान वगैरह सारा निकाल दो तभी होता है। और डोर में तो वैसे ही जब डस्टिंग वगैरह करती है तो बाहर से फ्रिज वगैरह पे भी कपड़ा मार देती हूँ मैं। तो अभी जो है ना मैंने सारा कपड़े से साफ़ कर दिया है और अभी जो सारा सामान मैंने निकाला था ना वो सारा जो फ्रिज में लगा दूँगी। तो आज मैंने झटपट से ऐसे ही साफ़ कर लिया है, वैसे थोड़ा सा मतलब अच्छे से करते तो टाइम लग जाता, तो आज झटपट से किया है मैंने, क्योंकि अक्षु की जो है तबीयत ऐसी है अभी, उसके लिए मुझे खिचड़ी भी बनानी थी। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स न्यू जुड़ रहे हैं मेरे चैनल पे और तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले जो वीडियोस हैं वो भी आप लोगों को देखने को मिलती रहें। तो लो जी, फ्रिज तो हो गया मेरा साफ़ और उसके बाद ये अभी गैस वगैरह नहीं करी थी मैंने साफ़, तो अभी आती है गैस की बारी। तो मैं गैस वगैरह जो है वो भी ऐसे आज मतलब साबुन से नहीं कर रही हूँ, ऐसे जस्ट कपड़े से जो साफ़ कर दे रही हूँ, गीले कर देती हूँ, मतलब एक दिन छोड़ के साबुन से करती हूँ, एक दिन ऐसे कर देती हूँ, ऐसे करती रहती हूँ। और जो टाइल्स वगैरह है ना वो भी मैं ऐसे ही करती हूँ तो ना साफ़ रहती है, नहीं तो एक फिर वही है ना काफ़ी दिन तक ना करो ना बहुत ज़्यादा गंदा सा आता है, फिर एकदम से करो ना फिर ज़्यादा ही काम बढ़ जाता है एकदम से, और बच्चों के साथ फिर करना थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है। इसी वजह से ना मैं थोड़ा थोड़ा जब भी मेरे को टाइम मिलता है ना थोड़ा थोड़ा मैं करती रहती हूँ। तो कभी वही है वीडियो में दिखा पाती हूँ, कभी नहीं दिखा पाती हूँ, हमेशा तो नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि कभी कभी ऑफ कैमरा भी कर देती हूँ। तो यहाँ पर ना बस पोछा नहीं लगा था मेरा, तो अभी मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए, तो अक्षु सो रही है फटाफट से लगा लेती हूँ मैं अपना पोछा। तो अंदर वाले रूम में ना तो मैं आराम से लगा करके आ गई हूँ और इधर अब मैं लगा रही हूँ किचन में। अंदर का मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अक्षु सो रही है, वहाँ पे थोड़ी बहुत भी आवाज़ होगी तो वो उठ के बैठ जाएगी, इस वजह से अब किचन में लगा लिया। अब मैं लगा दूँगी बाहर वाले रूम में अपने। और पोछा जो है मैं डेली लगाती हूँ, डेली एक भी दिन स्किप नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी अक्षु जो है ना नीचे खेलती है फर्श पर,
तो इस वजह से मुझे ना एकदम फर्श नीट एंड क्लीन रखना पड़ता है, क्योंकि वो फिर जहाँ मर्जी बैठती है, आपको पता ही, बच्चे जहाँ मर्जी हाथ लगाते हैं फिर मुंह में भी डाल लेते हैं, कई बार ऐसा कुछ होता है। तो उसकी वजह से ना मुझे साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। और हम लोग चप्पल लेके भी घर में नहीं घूमते, चप्पल साइड में बाहर ही उतार देते हैं। सारी का अपने शूज़ अंदर उतारती आके, तो वही है, मैं उसके रैक में रख देती हूँ, कई बार रह जाते हैं तो साइड में रख देती है, लेकिन अक्षु जब भी देखती है तो सीधा वहीं जाती है, इसलिए वो भी ना सभी को हटा के रखना पड़ता है उसकी वजह से। तो अभी मैं आ गई थी खिचड़ी बनाने के लिए, तो खिचड़ी का ना सारा सामान तो मैंने रेडी कर लिया है, तो बस अभी मैं धो के उसकी खिचड़ी जो है मैं छौंक दूंगी यहाँ पे। और अचानक से क्या हो गया, लाइट चली गई। अभी अचानक से मैं बस चावल वही धो ही रही थी, तो और जब तक ना मेरे लाइट चली गई, तो यहाँ पे मुझे ना टॉर्च जला के जो है, दूसरा फ़ोन मेरे पास रखा है, टॉर्च जला के मुझे खिचड़ी छौंकनी पड़ी। और लाइट जाते मेरी अक्षु भी उठ गई है, तो उसको गोद में लेकर के अभी मैं आ गई हूँ और खिचड़ी छौंक रही हूँ, क्योंकि वो अंधेरे में तो रुकेगी नहीं, रो रही है। तो वैसे तो अंदर मेरे एक बल्ब लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी लाइट चली गई है और मैंने अभी खिचड़ी छौंक दिया, और मेरी अक्षु भी जो है उठ गई है, क्योंकि लाइट चली गई, एकदम पंखा बंद हो गया और जो उठ गई है। वैसे तो मैंने वो जो बैटरी वाला छोटा सा कूलर है ना मेरा, वो मैंने चला दिया था, लेकिन फिर भी ये उठ गई है। अब एकदम से लाइट बंद हो जाती है तो उठ जाती है, तो पता नहीं अब लाइट कब आएगी, तो कब नहीं आएगी। तो आज का वीडियो यहीं पर करते हैं एंड। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही आज मैंने गेट खोल रखा है ना, बाहर से बहुत आवाज़ आती है, क्योंकि रोड पर घर है ना मेरा, इस वजह से। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।